हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का पार्ट 3 लेके आ चुके हैं, जिसमें आपके साथ लेटेस्ट पेपर डिस्कस किया जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रह रहा है, डायरेक्ट कितने आ रहे हैं, इनडायरेक्ट कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और मेन मेन टॉपिक कौन से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को देख लीजिएगा, इनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। इन्हीं में से पेपर बनेगा, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी। तो चलिए फिर अब लेटेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कंपनी लॉ, यूनिक पेपर कोड मैच कर लीजिएगा 2412081120। सेकेंड सेम, मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का होने वाला है और आपको 3 घंटे दिए जाने वाले हैं। अटैम्प ऑल क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन में चॉइस होगी, आप कोई सा भी कर सकते हैं, पर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा, जितना भी आता हो लिख के जरूर आना है। ऑल कै क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ये तो हो गया इसका तामझाम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछा गया, क्वेश्चन को टुकड़े में बांटा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक क्वेश्चन मान के चलिए 18 मार्क्स का होगा, तो 18 × 5 90 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है तो आपको ये मान के चलिए 18 नंबर में आपको 4 to 5 pages मिनिमम भर के आने हैं। इस वजह से सोल ने अलग अलग क्वेश्चन पार्ट्स में पूछे हैं ताकि आप आराम से कंटेंट लिख सको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डिस्कस द नोशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इन लाइट ऑफ द डिसीजन इन सलमान वर्सेज सलमान एंड कॉ लिमिटेड। अब देखिए ये बिल्कुल इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएंगे। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट अ नोट ऑन NCERT, ये मैंने आपको 2 वीडियो में बहुत बार कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छे से करके देगा। जो मैं मेन मेन बता रहा हूँ उसको तो रट लीजिए, क्वेश्चन पेपर में आने में 90% चांसेस है ये आते आते हैं। व्हाट इज़ फॉरन कंपनी, फॉरन कंपनी क्या होती है, नेसेसरी क्यों है, कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब पूरा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, अब स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा। अब इस टाइप के आपको क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे, तो इन सब की प्रैक्टिस जरूर करके जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चॉइस में दे रखा है, व्हाट इज़ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में आपको बार बार कह चुका हूँ, NCERT कॉर्पोरेट वेल्थ, इसे अच्छे से रट लीजिए। जहाँ भी आपको कॉर्पोरेट वेल्थ दिख जाए तो जितना भी आपको रट रखा है, जो भी आता है, छाप दीजिए पूरा पेज। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस व्हेन कॉर्पोरेट वेल्थ ऑफ कंपनी मे बी लिफ्टेड। अब इसके बी और सी पार्ट में क्या दे रखा है, राइट अ नोट ऑन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी। डिफाइन अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, सभी कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। स्टेट स्पेशल प्रोविजन क्या गया है कंपनी एक्ट रिलेटिंग टू अ गवर्नमेंट कंपनीज, ये बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन सेकंड, प्रमोटर, वो इस प्रमोटर, प्रमोटर क्या है, कौन है। डिस्कस हिज लीगल पोजिशन इन रिलेटिंग रिलेशन टू अ कंपनी विच ही प्रमोट्स, प्रमोट्स कैसे करता है, उसका रिलेशन बताइए। अ कंपनी कैन नॉट जस्टिफाई अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अल्टरिंग इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए ये जो आपका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। AOA और MOA को अच्छे से करके जाइएगा। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके चॉइस में क्या दे रखा है, प्री इंकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, इज़ द कंपनी बाउंड बाय सच कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बताइए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछे जा रहे हैं, तो कंपनी लॉ में आप अच्छे से करके आइएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीधे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, कॉर्पोरेट वेल NCERT इस टाइप के मिल जाएंगे। देखिए इतना तो प्रोवाइड करेगा सोल कि आप पास हो सके, तो उसमें भी आपको अच्छे से लिख के आएंगे तभी पास हो पाएंगे। डिस्क्राइब द एसेंशियल स्टेप्स टू बी टेकन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे बचे, क्या क्या स्टेप्स है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए थे और ये क्वेश्चन आ गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मोस्ट फिर से इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बताया था, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे NCERT कॉर्पोरेट मैंने आपको काफ़ी बता दिया, जो पीछे से उठा रहे हैं सोल के पास ज़्यादा मैटर नहीं है, बस वो क्वेश्चंस को रिपीट करेगा, ये साल ये दिया तो अगले साल ये दे देगा, बस यही है। अब प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ, डू यू एग्री, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर फीचर ऑफ शेयर, अभी रेगुलर वालों के क्वेश्चन पेपर में आया था, मैंने कहा था इसे भी कर लीजिएगा अच्छे से। डिफाइन एंड डिस्क्रिप्शन राइट शेयर और बोनस शेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट नोट आया था शायद पिछली बार। राइट अ नोट ऑन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेयर प्रोस्पेक्टस। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकता है, जो इसे यहाँ समझ नहीं आएगा, ये मैं भी मानता हूँ हार्ड क्वेश्चन है। डिस्कस द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय अ पब्लिक कंपनी,
वाई डज द कंपनीज एक्ट अलाउ कंपनी टू बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो में भी बताया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द लीगल पोजिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। लीगल पोजिशन क्या होती है डायरेक्टर की कंपनी में। डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलॉट। बैलॉट आप सबको पता है जो मशीन होती है जिसमें वोट वगैरह शायद वही होती होगी, बाकी आप बता दीजिएगा अगर कोई और है गलत बताइए तो कमेंट्स में। ये देखिए इस टाइप के मतलब क्वेश्चन काफ़ी पेपर को डिफिकल्ट बनाया गया, तो आप इस कंपनी लॉ के पेपर को हल्के में नहीं ले सकते। बाकी जितना सफिशियंट है उतना तो मैंने आपको बताया क्या क्या आ रहा है। AGM मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, जितना मुझे याद आ रहा है जो मैंने आपको बताए थे वो बार बार यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एनुअल जनरल मीटिंग। डिस्क्राइब द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। कैन वन मेंबर कॉन्स्टिट्यूट कोरम। कोरम को भी अच्छे से कर लीजिएगा कैसे वर्क करता है। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। पेनल्टी क्या लगती है अगर आप फेल हो जाते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में। व्हाट इज अ कंपलसरी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप को भी अच्छे से कर लीजिएगा शॉर्ट नोट आ सकता है। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। होल्डिंग सिक्योरिटी को पकड़ के मतलब होल्ड करके रखने में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। चॉइस में राइट अ नोट ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF। इसके बारे में देखिए शॉर्ट नोट आ गया। What are the provision of Companies Act 2013 regarding the appointment and rotation of an auditor? Explain the process of voluntary liquidation of a company under insolvency and bankruptcy code. अब देखिए तीन तीन पार्ट दिए जा रहे हैं 18 मार्क्स का है, तो ये मान के चलिए आप 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इसमें से आप अगर होता तो कोई स्टूडेंट कितना कर पाता, फिफ्थ का बी पार्ट उठा लेता 6 नंबर ये मान लीजिए, और होल्डिंग सिक्योरिटीज में बना बना के भी लिखता तो ये मान लीजिए मैं कौन कौन सा कर सकते हैं वो बताता हूँ। 6 नंबर ये, फोर्थ का बी पार्ट मान लीजिए ये भी आप कर लेते। 12 नंबर अब आते हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ पोस्टल बैलेट, यहाँ तो आप कर ही नहीं पाते। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ये भी आप बना के लिख सकते हैं। 3 क्वेश्चन 18 मार्क्स यहाँ हुए हैं। कंपनी सेल बाय बैक सिक्योरिटीज ये मैंने आपको बताया था, इसे भी मान लीजिए ये आपके हो गए 24 नंबर। और आगे चलते हैं रेड हेरिंग ये भी आपको समझ में नहीं आता। फोर फीचर ऑफ शेयर ये हो गए आपके 30 नंबर। पास देखिए 90 मार्क्स का है तो वो 40% है, वो हम आगे देखेंगे, 30 से तो ज़्यादा होने चाहिए। ये 30 नंबर यहाँ हो गए। इंडोर मैनेजमेंट 36 नंबर यहाँ हो गए। और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी मतलब काफ़ी पेपर ऐसा है जो स्टूडेंट कर सकते हैं। चॉइस में मैं शायद मार्क्स दोबारा गिन रहा हूँ। NCLT ये क्वेश्चन हो गया दोबारा, और यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल का आ गया, मतलब चॉइस में पूछा गया अलग अलग क्वेश्चन पर आप कर सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन पेपर था, बाकी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना मत भूलिएगा।